Hello friends, I am Vishal Sarda. Welcome all of you. Friends, today we are going to discuss the very important topic in aptitude or in mathematics like average. देखिए दोस्तों, एक एवरेज एक ऐसा टॉपिक है कि जितनी भी अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट होती है, लाइक एग्जाम्स मीन्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे, इंश्योरेंस, इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्स कंडक्ट होती है जहां पर ऑलमोस्ट एग्जाम्स में एवरेज टॉपिक के ऊपर कहीं पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंड एवरेज एक टॉपिक ऐसा है कि जो आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एट दैट टाइम हम लोग जो तरीके से उसको पढ़ते थे वो कंसेप्ट और आज अपने को जिस तरीके से पढ़ना है ये कंसेप्ट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्कूल जब भी हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते, जब भी आप लोग इसको पढ़ते थे, तो ये सारे डिटेल स्टेप बाय स्टेप बोला फॉर्मुला बेस वर्किंग होता था। नाउ आज के सेशन में हम लोग जब इसको पढ़ने वाले, तो आज के सेशन में मैं आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पर आप किसी भी एवरेज के क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड, दो सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ते बराबर आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो किस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ चार पॉइंट दूंगा और चार पॉइंट आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट आपका कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, नंबर वन, थीम नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, जब भी आपको कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें एवरेज फाइंड आउट करना है, बट वो क्वेश्चन में जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल है, नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल आता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर बनते हैं, जैसे देखो मैं पहले को थोड़ा सा बेस डिस्कस करता हूं, या तो चलो देख लीजिए यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 12, ऐसा आपने को दिया हुआ है। इसका एवरेज फाइंड आउट करना अपने को, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 12, इसको सॉल्व करना। अब देखो दोस्तों, 40 मल्टीपल्स ऑफ 12, इट मींस 12 का सबसे फर्स्ट मल्टीपल वो आएगा आपका 12, 12 का सेकंड मल्टीपल आएगा 24, थर्ड मल्टीपल आएगा 36, फोर्थ आएगा 48, फिफ्थ आएगा 60 एंड सो ऑन। इस टाइप से अपने को 40 मल्टीपल्स बोला था, तो सबसे आखिरी में 12 फोर जा 48, 480। दोस्तों मेरे को एक चीज बताइए, जनरली अपन ने अगर किसी को पूछा भैया एवरेज क्या होता है, तो ऑलमोस्ट लोग आंसर देते हैं एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये जनरल कंसेप्ट चलता है। जनरली आपने किसी को भी अगर पूछा एवरेज क्या होता है, तो हर कोई 10 में से 8 लोगों का आंसर होता है एवरेज मीन्स सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये कंसेप्ट जनरली चलता है। दोस्तों प्रैक्टिकली आप सोचिए कि अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 12 के 40 मल्टीपल्स का एवरेज आपको फाइंड आउट करना है, इज इट पॉसिबल आपके पास जो भी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड आपके पास जो टाइम होता है एग्जाम में, इन दैट 30 40 सेकंड आप वो 12 के पूरे 40 मल्टीपल्स एक के नीचे एक लिखोगे सारे, देन वो 40 नंबर्स की एडिशन, देन डिवाइड बाय 40, ये सारा वर्किंग पॉसिबल है क्या? यस और नो? नहीं है। तो इसको सॉल्व करना है कैसे करना चाहिए, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हेनेवर जब भी आपको क्वेश्चन में जितने नंबर्स दिए जाते हैं, अगर वो नंबर सक्सेसिव नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इज कांस्टेंट, ध्यान से देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से देखना, लाइक 12 एंड 24 इसके बीच में 12 का डिफरेंस आता है, देन 24 एंड 36 इसके बीच में 12 का डिफरेंस आता है, देन 36 एंड 48 इसके बीच में भी 12 का डिफरेंस आता है, बिकॉज ये डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये सारे के सारे 12 के मल्टीपल तो लिखे हुए ना, 12 के मल्टीपल मींस अपन ने हर नंबर को 12 से इंक्रीज करके लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पर हर नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है आपका, इक्वल है, डिफरेंस क्या है, इक्वल। तो देखो दोस्तों एकदम सिंपल सा काम है, जब भी नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है और अगर आपको इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, आपके जो नंबर्स रहते हैं, जैसा 40 मल्टीपल आएंगे, तो आपको सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पर फर्स्ट कौन है 12, लास्ट कौन है 40, फर्स्ट इज 12, लास्ट इज 40, आपको अगर इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों का हाफ, देन उनकी सम,
हाफ करके उनका क्या करना है, सम, यानी सिंपल लैंग्वेज में आधा करके आप उसकी सम कर लीजिए एक, या तो फिर पहले इन दोनों की सम कर लीजिए फिर उसके बाद इनका हाफ कर लीजिए, आंसर बोथ द केसेस, दोनों भी केसेस में आंसर क्या रहने वाला है, सेम। आपको जो कंफर्ट लगता है, जो आसान लगता है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से करना है तो मैं सिंपली दोनों का हाफ लेता हूँ, 12 का हाफ हो जाएगा 6 एंड 480 का हाफ होता है 240, सो 6 प्लस 240 इट बिकम्स 246 इज द आंसर। मींस आपका जो क्वेश्चन था कि 12 के जो 40 मल्टीपल्स है इसका एवरेज अगर फाइंड आउट करना है तो आपका आंसर आने वाला है 246। क्लियर? देखिए और एक हाथ दो क्वेश्चन ट्राई करते हो, ध्यान से देखना। सपोज मैंने 10 के 20 मल्टीपल्स बोल दिया आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ 20 मल्टीपल्स ऑफ 10। सो 10 का फर्स्ट मल्टीपल क्या आएगा दोस्तों, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। 20 मल्टीपल्स इट मींस सबसे लास्ट में आने वाला है आपका 200। नाउ 10, 20, 30, 40, 200 इसका एवरेज आपको चाहिए। एकदम सिंपल सा काम है, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट 10 का हाफ 5, लास्ट 200 का हाफ 100, सो आंसर इज 105। क्वेश्चन सॉल्व। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं 12, 14, 16, 18 up to 28, मेरे को इसका एवरेज चाहिए। देखिए दोस्तों ये जो मैंने यहां पर लिखा ये सबके बीच में दो का गैप है, 12, 14, 16, 28, ये जो नंबर्स मैंने लिखा 12, 14, 16, 18 up to 28 तक, ये हर नंबर के बीच में गैप कितना है 12। मैंने सिर्फ डिफरेंस ही सेम बोला था, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि आपका मल्टीपल ही होना चाहिए। ये भी हम लोग बोल सकते हैं टू के मल्टीपल से, लाइक 12, 16 जो लिखा, 12, 14, 16 लिखा हुआ है, 2-2 का गैप है, अगेन आपका आंसर सेम आएगा। आपको इसका भी अगर एवरेज फाइंड आउट करना है, इसका भी एवरेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो अगेन वही कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। यस, सेम कंसेप्ट है, आगे बढ़ो। सपोज इसके अलावा दो तीन पॉइंट और आते, देखो सेम डिफरेंस में, ये भी नहीं करना है। अगर मैं आपको ऐसा पूछता हूं, पॉइंट नंबर 1, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, नेचुरल नंबर के दो पार्ट होते हैं, दैट इज ऑड नंबर एंड इवन नंबर, पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर चाहिए, फर्स्ट एन ऑड नंबर। सो फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज जितनी क्वांटिटी है उतनी ही होती है, यानी इसका आंसर क्या आएगा आपका n। चेक कर लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने अगर आपको पूछा कि फॉर एन एग्जाम्पल ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन इस टाइप से। अब देखिए दोस्तों ये नंबर कितने मेरे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11 कितने नंबर लिखा मैंने, 6। तो इनका एवरेज अगर आपने फाइंड आउट किया तो इसका एवरेज यहां पर 6 ही आने वाला है। इन केस ऑफ ऑड नंबर, इफ अगर आप फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज फाइंड आउट करते हो, किसका, फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपका आंसर ऑलवेज इज इक्वल टू क्वांटिटी रहेगा। आपको बोल दिया पहले 10 ऑड नंबर का एवरेज फाइंड आउट करो तो एवरेज आंसर 10 ही आएगा। आप बोल दिया फर्स्ट 20 नंबर्स, फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करो, आंसर 20 ही रहेगा। फर्स्ट 40 ऑड नंबर का एवरेज फाइंड आउट करो तो आंसर 40 ही रहेगा। एकदम सिंपल है, विद इन अ सेकंड क्वेश्चन पढ़ते बराबर आपका आंसर रेडी हो सकता है। एक केस नंबर 2, सपोज एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, कौन से नंबर, इवन नंबर। दोस्तों इवन नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना है आपको, तो इन केस ऑफ इवन नंबर, जब भी आपको फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज अगर फाइंड आउट करना है तो इन केस ऑफ इवन नंबर आंसर क्या बनेगा, तो सिंपल लैंग्वेज आपकी जितनी क्वांटिटी होती है, आपकी जितनी क्वांटिटी होती है उसमें प्लस 1 करके लिख लीजिएगा। सपोज ध्यान से देखो, सपोज 2, 4, 6, 8 एंड 10 कितने नंबर से, ये 5। अब अगर आपको किसी ने पूछा कि ये 5 नंबर का एवरेज क्या आएगा, ये 5 नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 12 इनका एवरेज क्या आएगा, सो क्वांटिटी नंबर कितने दोस्तों, 5 नंबर, कितने 5, 2, 4, 6, 8, 10 कितने नंबर, 5। आपका आंसर आएगा n प्लस 1, क्वांटिटी प्लस 1, तो आपका इसका आंसर बन जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू
सिक्स. इट मीन्स इन केस ऑफ ऑड नंबर जो क्वांटिटी है वही आपका एवरेज बनना है, इन केस ऑफ इवन नंबर क्वांटिटी प्लस वन इज द आंसर. एंड पॉइंट नंबर थ्री इसी में अपन लेते हैं तीन, इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, इन केस ऑफ नेचुरल नंबर आपको क्या करना है, क्वांटिटी प्लस वन डिवाइड बाय टू करना है. सपोज मैंने आपको पूछ लिया फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना, फर्स्ट टेन मीन्स 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, अप टू 10. देखिए 1 2 3 4 5 इस टाइप से मैं लिखूंगा 10 तक, और मेरे को इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, 1 2 10 तक का एवरेज फाइंड आउट करना है. तो मेरे लिए सिंपल सा वर्किंग रहेगा, मेरी क्वांटिटी कितनी है, लास्ट नंबर कितना मेरा 10 है, तो मैं करूंगा 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइड बाय 2 मींस 11 का हाफ हो जाएगा 5.5, ये रहेगा आपका आंसर. इस तरह से हम लोग यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं. बट देखो ये जो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा था इसमें कंडीशन थी फर्स्ट एन, ये वर्ड आता था वेदर इन केस ऑफ नेचुरल ऑड इवन, वर्ड क्या आता था, फर्स्ट एन. बट ऑलवेज क्वेश्चन फर्स्ट एन 1 से 2 से स्टार्ट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो इट्स ए बेस्ट वे है, यूनिवर्सली कंसेप्ट आपका चल सकता है, जब भी एवरेज फाइंड आउट करते समय, एवरेज फाइंड आउट करते समय जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, सक्सेसिव नंबर के बीच का डिफरेंस अगर आपका इक्वल है, तो आप करोगे फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों की सम का हाफ, इन दोनों के टोटल का हाफ करना है, और इन दोनों के हाफ की टोटल, टोटल का हाफ या हाफ का टोटल, कोई भी एक काम कर लीजिए. आंसर बुद्धि केसेस, दोनों भी केसेस में आंसर क्या रहने वाला आपका सेम. ये आपका पॉइंट नंबर वन जिसके थ्रू आप एवरेज सॉल्व कर सकते हो. एक पॉइंट नंबर टू, थीम नंबर टू, मैंने चार पॉइंट की बात की थी, ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट आपका हुआ है. सेकंड पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है. आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो इन केस ऑफ बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जितने भी एवरेज के क्वेश्चंस बनते हैं, ऑलमोस्ट 50-60-70% क्वेश्चंस ये सेकंड कांसेप्ट आपका सॉल्व कर देगा दोस्तों. चैलेंज आप ध्यान से सुनना सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं. पॉइंट नंबर टू यहां पर लिखा हुआ रिप्लेसमेंट और एडिशन, रिप्लेसमेंट और एडिशन मींस सपोज एक ग्रुप है, एक ग्रुप का कुछ एवरेज दिया हुआ है, एक हाथ दो नए लोग उसके अंदर ऐड हो गए, फिर उसका एवरेज दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट न्यू पर्सन. एक जनरल क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है एवरेज एज ऑफ 32 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 27 इयर्स, एवरेज ऑफ 32 स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज 27. कितने स्टूडेंट थे वहां पर, 32. अब देखो ये 32 स्टूडेंट्स का एवरेज 27 इयर्स दिया हुआ है. आगे लिखा व्हेन द एज ऑफ टीचर इज एडेड एवरेज इंक्रीज बाय 1, यानी वो जो 32 स्टूडेंट्स का ग्रुप था वो 32 स्टूडेंट्स के ग्रुप में टीचर ऐड कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ टीचर, जब वो टीचर ऐड किया सो एवरेज इंक्रीज बाय 1, ऐसा यहां पर अपने को दिया हुआ है. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं छोटी सी स्टोरी, एक थीम बनाता हूं, ध्यान से देखिए एक स्टोरी फॉर्मेट में. एक्चुअली एवरेज होता क्या है, अपन एक पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया बट मैंने एवरेज का मीनिंग डिस्कस नहीं किया. एक्चुअली एवरेज होता क्या है फ्रेंड्स, सिंपल लैंग्वेज में एवरेज मीन्स अपने इसको एक मीन वैल्यू, आप इसको मिडल वैल्यू बोल सकते हैं, जो अपने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था उसके हिसाब से मीन वैल्यू और मिडल वैल्यू इज द आंसर, ऐसा भी आ सकता है. एक पॉइंट और होता है एवरेज मीन्स जितनी भी क्वांटिटीज अपने को दिया हुआ है बैलेंसिंग और दिए हुए सारे के सारे नंबर को इक्वल करना है, नंबर्स को इक्वल करना है. एज्यूम करो देखो मेरे पास में दो वैल्यूज है, एक 100 एक है 200, 100 एंड 200 दोनों इक्वल है, नहीं है. सोचिए ये 100 छोटा है, 200 थोड़ा सा बड़ा, 200 ऊपर इट मींस थोड़ा सा बड़ा है, मेरे को ये 100 नीचे है 200 ऊपर है, मेरे हैंड्स की तरफ ध्यान देखना 100 एंड 200, मेरे को इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट करना, मैं क्या करूंगा. सिंपल सा कंसेप्ट, एवरेज मीन्स कुछ नहीं करना है आपको, बैलेंसिंग का मतलब होता है इक्वल करना. तो जो 200 ये नंबर थोड़ा बड़ा है, ये नंबर को थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाओ, ये नंबर को थोड़ा सा नीचे, और ये नंबर को आप जितना नीचे लाओगे फ्रेंड्स उतना ही 100 को ऊपर लेकर जाइए. ये दोनों जब एक इक्वल लेवल पर आ जाएंगे, दोनों का वैल्यू जब सेम बन जाएगा तो आपका एवरेज हो जाएगा. दैट्स इट, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट.
इसकी एप्लीकेशन बहुत है, ध्यान से देखना। सपोज एक नंबर बोला मैंने आपको 100, सेकंड इज 200, मेरे को 100 200 की बैलेंसिंग करना है। लाइक सिंपली राम एंड श्याम ए और बी दो लोग हैं, ए के पास 100 रुपीज है, बी के पास में 200 रुपीज है, तो बी का वैल्यू ज्यादा है, तो आप बी के वैल्यू में से थोड़ा सा वैल्यू निकाल लीजिए और वो ए में ऐड कर दीजिए। इफ बोथ आर इक्वल, ये रिप्लेसमेंट, इस साल इस ए से लिया बी को दिया, बी से लिया ए को दिया, सिंपली जिसके पास एक्स्ट्रा वैल्यू है उससे कुछ अमाउंट निकाल लीजिए, जिसके पास कम उसको दे दीजिए। अगर वो दोनों इक्वल होगा तो आपका एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए 100 एंड 200, ये 200 में से मैं 50 माइनस कर लेता हूँ, वो 50 यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ, 100 प्लस 50 150, 200 माइनस 50 इट बिकम्स 50 150, बोथ आर इक्वल। इट मींस 100 एंड 200 का जो एवरेज आपको चाहिए था, एवरेज कितना आने वाला है 150। एक दूसरा केस, ध्यान रखो मैं छोटी छोटी केसेस बना रहा हूँ जो कि आपको आगे क्वेश्चन में यूज होगी, जो कि आपके अलग अलग क्वेश्चंस में आप सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। सोचो मान लो आप थ्री फ्रेंड्स हैं, ए बी सी थ्री फ्रेंड्स, एंड तीनों के पास ए बी सी, ए बी एज वेल एज सी, इन तीनों के पास पर हेड 100 रुपीज है, ए 100 रुपीज, बी 100 रुपीज एंड सी 100 रुपीज, तो ये तीनों का एवरेज क्या बनेगा? ए के पास 100 रुपीज है, ए के पास 100, वही बी के पास 100, सी के पास 100 है, इन तीनों का एवरेज मेरे को चाहिए, क्या निकलेगा? तो देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, ये तीनों का वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है, ऑलरेडी सेम है, ए एज वेल एज बी एंड सी तीनों की वैल्यू क्या है? सेम। तो इनका एवरेज एज इट इज 100 ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। अनादर पर्सन डी मैं ये ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, एक डी नया कैंडिडेट आ गया विथ 100 रुपीज, देन स्टिल अभी भी एवरेज में कोई चेंजेस नहीं है। अगेन वन मोर पर्सन ई विथ 100 रुपीज ग्रुप में ऐड कर दिया, ग्रुप में पांच लोग हो गए, स्टिल एवरेज चेंज नहीं होगा, अभी भी इनका एवरेज 100 ही है। अगेन वन मोर एफ, एफ के पास भी 100 रुपए है, ये भी मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया, छह लोगों का ग्रुप बन गया, स्टिल अभी भी ग्रुप का एवरेज 100 ही रहेगा, बिकॉज जितने भी लोग मैं जो आफ्टर ए बी सी के बाद डी ई और एफ, जब ये तीनों वहां पर आए थे, तो जब डी आया था तो वो भी 100 रुपए लेकर आया था, ई आया था वो भी 100 रुपीज लेकर आया था, एफ आया था वो भी 100 लेकर आया था, यानी ऑलरेडी सबकी वैल्यू सेम थी, तो मेरे को किसी का वैल्यू लेना है और किसी को देना है, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज ऑलरेडी दे आर इक्वल, ऑलरेडी उनके पास में जो वैल्यूज दी हुई थी वो वैल्यूज ऑलरेडी क्या थी? इक्वल थी। इसके वजह से मेरे को वहां पर कोई एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ा, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, इसका मतलब जितना वैल्यू उनके पास था वही उसका एवरेज बनता है। अब देखिए मैं और एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ओरल एक क्वेश्चन बनाता हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन ऊपर थीम में लिखा अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, एज्यूम कर लीजिए अपनी कोई क्लास चल रही है, अपनी क्लास चल रही है, एंड एट प्रेजेंट केस में अपनी ये क्लास में, अपनी क्लास में आप 39 स्टूडेंट्स हो, आप 39 स्टूडेंट्स हो विथ 100 रुपीज पर पर्सन, 100 रुपीज पर पर्सन, आप 39 कैंडिडेट्स हो, कितने 39, और आपके सबके पास पर हेड 100 रुपीज है, लाइक ए बी सी डी ऐसे 39 कैंडिडेट्स है और हर एक के पास कितने रुपीज है 100। सो एट प्रेजेंट केस में अपनी पूरी क्लास, होल क्लास का एवरेज, एवरेज ऑफ होल क्लास इज 100, पूरी क्लास का एवरेज क्या रहेगा 100। इफ वन न्यू पर्सन, सपोज मैं ग्रुप में ऐड हो जाता हूं प्लस वन, अब अगर मैं भी 100 रुपीज लेकर आऊ तो आप 39 प्लस मैं अपन हो गए 40, अभी भी अपने 40 लोगों का एवरेज चेंज होगा क्या? तो नहीं, क्योंकि आप जो 39 कैंडिडेट्स थे आपके पास सबके पास 100 रुपए थे, मैं जो नया कैंडिडेट ऐड हुआ मैं भी 100 रुपीज लेकर ही आया, तो ऑलरेडी वी आर इक्वल, ऑलरेडी वी 40, अपन 40 के 40 सब मिलाकर अपने पास जो वैल्यू है ऑलरेडी क्या है? इक्वल है। तो अपने को कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, इसका मतलब अपना एवरेज क्या रहेगा 100 ही रहेगा। बट इफ सोचो, एज्यूम करो, इफ मैं न्यू पर्सन, आई ज्वाइन द ग्रुप, मैं आपके ग्रुप में ऐड हो गया और मैंने ग्रुप ज्वाइन किया लेकिन विथ 500 रुपीज, मैं जब आपके ग्रुप में आया था तो 500 रुपीज लेकर आया था, अब मेरे को बताइए अपना एवरेज चेंज होगा या सेम रहेगा? ऑब्वियसली चेंज होना है, बिकॉज आप सबके पास कितने रुपीज है 100, मेरे पास कितने रुपीज है 500, सो अपना वैल्यू इक्वल है क्या? नहीं है। वैल्यू इक्वल है? नहीं है।
फिर अब क्या करना है? सिंपली एक काम कर लेते हैं, सोचो अगर मैं 100 रुपए लेकर आता तो एवरेज चेंज होता नहीं होता? 100 लेकर आता तो एवरेज चेंज होता नहीं होता। मैं वही काम कर लेता हूं, एट प्रेजेंट केस मैंने कितना लाया 500 रुपीज, आउट ऑफ 500 रुपीज मैं काम कर लेता हूं, एक्स्ट्रा कितना लाया मैंने? आप सबके वैल्यू 100 रुपीज है, यू आर 39, आप 39 कैंडिडेट्स, आप 39 स्टूडेंट्स हो, अज्यूम करो क्लास में बैठे हो, और आप जो 39 कैंडिडेट्स क्लास में बैठे हो आपका एवरेज 100 रुपीज है। मैं न्यू पर्सन 40 नंबर 40 नंबर का आदमी, न्यू पर्सन टीचर में भी जैसा भी क्वेश्चन में वर्ड आता है जनरली टीचर एडेड ऐसा आता है, टीचर है, प्रिंसिपल ऐसा जो भी आता है, अज्यूम करो मैं एक टीचर आपके ग्रुप में ज्वाइन हुआ विथ 500 रुपीज, तो एवरेज चेंज होगा। मेरे को एवरेज ग्रुप का चेंज नहीं करना है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आपका एवरेज 100 तो मैं आउट ऑफ 500 जो एडिशनल 400 रुपीज थे ये साइड में निकाल देता हूँ, एंड विथ 100 रुपीज आपके ग्रुप में ज्वाइन हो जाता हूँ। अब मगर 100 रुपीज लेकर आपके ग्रुप में आया तो एवरेज चेंज होगा नहीं? ठीक है, चलो देखो, अब आप 39 + 140 अपन 40 लोग हो गए, स्टिल अपने 40 लोगों का एवरेज अभी भी क्या बनने वाला है? 100। बट फ्रेंड्स मेरे को बताइए, ये जो 400 रुपीज मैंने साइड में रखा था इसका क्या? नाउ क्वेश्चन का आंसर अगर सॉल्व करना है तो ये पैसा जो साइड में निकला अपन ऐसा रख नहीं सकते, तो आप क्या करो, ये जो 400 रुपीज है ये पूरा 400 रुपीज हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नाउ वी आर 40, आप 39 प्लस मैं कितने हो गए 40, अपन 40 लोग 400 रुपीज आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एवरेज खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए 400 रुपीज मैंने साइड में रखा था, वो 400 रुपीज अपन 40 कैंडिडेट्स है, नाउ डिवाइड रुपीज 400 बिटवीन 40 कैंडिडेट्स, अगर मैं 40 कैंडिडेट्स में 400 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ तो पर पर्सन क्या मिलेगा? 10 रुपीज, 400 / 40 विच इज इक्वल टू 10। सो अपने पास पहले तो 100 रुपीज था ही, नाउ द एवरेज इज इक्वल टू ओरिजिनल एवरेज 100 प्लस मैंने जो 400 रुपीज एक्स्ट्रा लाया था वो एक्स्ट्रा के वैल्यू सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 400 / 40 विच इज इक्वल टू 10। द आंसर इज न्यू एवरेज इज 110, न्यू एवरेज इज 110। तो फ्रेंड्स मेरे को बताइए आप लोगों का इनिशियल ओरिजिनल एवरेज क्या था? 100। नाउ अब एवरेज कितना होगा? 110, तो एवरेज इंक्रीज बाय 10, एवरेज इंक्रीज बाय 10। अब मेरे को बताइए ये जो 10 रुपीज से एवरेज बढ़ा ये किसके वजह से बढ़ा? बिकॉज ऑफ मी, मैं 500 रुपीज लेकर आया इसी के वजह से आपका एवरेज बढ़ा, यानी आपके पास जो एडिशनल 10 रुपीज आए, अपन अगर क्लास में बैठे और मैं एक्चुअली ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो आपके पास एक्चुअली जो 10 रुपए आए वो किसके वजह से है? बिकॉज ऑफ मी, क्लियर? यस। अब आप ध्यान से देखिए, मैं अगला जो अपना ऊपर का जो क्वेश्चन थीम में लिखा था वो क्वेश्चन कितनी सिंपल सी एडिशन करना है, मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, छोटा सा एडिशन करना, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ आइए ऊपर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, एवरेज ऑफ 39 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 27 ईयर्स, कितने स्टूडेंट्स? 39 स्टूडेंट्स का एवरेज 27 ईयर्स दिया हुआ था, 32 स्टूडेंट्स का एवरेज 27 ईयर्स आपको दिया हुआ था, क्लियर? यस। आगे व्हेन द एज ऑफ टीचर इज एडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 1, इसका मतलब 1 न्यू पर्सन, सपोज मैं टीचर एज अ ज्वाइन हुआ और मैं ज्वाइन होने के वजह से एवरेज इंक्रीज बाय 1, इट मींस एवरेज बिकम्स 28 इयर्स, ऐसा आपका क्वेश्चन, यस और नो? अब फ्रेंड्स ध्यान से देखो, मैं जैसा बोला 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, तो मैं जो भी स्टोरी बनाई थी, आप 39 कैंडिडेट्स हो, मैं 40 नंबर का आदमी विद 500 रुपीज लेकर मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन हुआ था, आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, आपका क्वेश्चन देखो कितना आसानी से सॉल्व होता है। फ्रेंड्स मेरे को बताइए इनिशियली आप कितने लोग थे, ये क्वेश्चन के हिसाब से आप कितने लोग थे? तो यू आर 32, कितने लोग हो? 32 विथ एवरेज 27, ओरिजिनल एवरेज 27, लेकिन मैं ग्रुप में ज्वाइन होने की वजह से एवरेज बिकम्स 28, इसका मतलब आपके पास पहले 27 इयर्स थे, आपका जो एवरेज था वो 27 इयर्स था, एंड मैं आने के बाद एवरेज 28 हो गया,
इट मींस एवरेज इंक्रीज बाय वन, यानी सबकी वैल्यू एक एक से बढ़ गई, सबकी वैल्यू एक एक से बढ़ गई, सबकी, कितने लोगों की, आप कितने लोग थे ग्रुप में, 32 स्टूडेंट का एवरेज अगर एक से बढ़ा, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा का वैल्यू, जैसा प्रीवियस जो थीम था उसमें 10-10 रुपीज, 10 रुपए से आंसर बढ़ा था, एवरेज इंक्रीज बाय 10 था, वो 10 रुपीज मैंने जो 500 लाया था उसमें से आपको मिला था। इन द सेम वे यहां पर जो आपका एवरेज बढ़ने वाला है, आपकी जो एवरेज एज वन ईयर से इंक्रीज हो रही है, वो एज मेरे वजह से बढ़ रही है। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं रुपीज में डिस्कशन करता हूं, तो आपके 32 स्टूडेंट्स की वैल्यू जो एक एक रुपए से बढ़ रही है, 27 का 20 हो रहा है, वो एक एक रुपया मैं आपको दे रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ मी। इट मींस मैंने, आप 32 स्टूडेंट्स को हर एक को एक एक रुपया दिया होगा तभी तो आपका वैल्यू बढ़ा होगा ना। तो सोचो, मैंने अपने ग्रुप में, मैं आपके ग्रुप में ऐड हुआ होने के बाद, ग्रुप में ऐड होने के बाद मैंने कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो दोस्तों ध्यान से देखो, आप 32 स्टूडेंट थे तो मैं हर एक को एक एक रुपया नहीं, मैं 32 रुपीज क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन मैं करता हूँ वैल्यू इक्वल करने के लिए, बिकॉज एवरेज का मतलब होता है सबकी वैल्यू इक्वल करना है। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके वैल्यू या मेरी वैल्यू, इस सबकी वैल्यू क्या होना चाहिए था, सेम। यानी आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूशन आप और मैं अपने एक लेवल पे आकर अपनी वैल्यू सेम होगी। सो नाउ जितना अमाउंट आपके पास, यानी जितनी एज आपकी उतनी ही मेरी रहेगी। सो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आपकी वैल्यू क्या होगी, 28। बिफोर मी, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन आपका वैल्यू 27 था, मैं आने के बाद आपका वैल्यू 28 हुआ। इसका मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपकी वैल्यू 28 हुई है, इट मींस अब मेरे पास भी बैलेंस क्या बचना चाहिए, 28। बिकॉज मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसका रीजन क्या था, पर्पज क्या था, मैंने जो आपको एक एक रुपया दिया, एक एक साल आपको ऐड किया आपके इसमें, उसका पर्पज ये था कि जब इनिशियली मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन हुआ था, एट दैट टाइम मेरी एज आप लोगों से ज्यादा थी, और एवरेज का मतलब सब क्या होना चाहिए, सेम। तो अपने को बैलेंसिंग करना था, आपकी और मेरी एज इक्वल करना था, आपका और मेरा वैल्यू मेरे को इक्वल करना था। बिकॉज ऑफ दैट इक्वल, वो इक्वल करने के लिए मैंने कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था, मींस ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपकी और मेरी वैल्यू क्या हो गई, सेम। तो अब बताइए डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके पास कितना वैल्यू है, 28 है। तो अब मेरे पास भी फिर जो बैलेंस बचा होगा वो क्या रहेगा, 28। एंड इनिशियली मैंने 32 आपके इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, एट द एंड 28 मैंने बचा लिया। इसका मतलब मैंने टोटल क्या लाया था, 60। तो मेरी एज, एज ऑफ टीचर, मैं जो न्यू पर्सन आपके ग्रुप में ऐड हुआ था, इसका एज क्या रहने वाला है, 60। ये कंसेप्ट एज स्टोरी बोलकर दोस्तों ध्यान में रखिए, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आप इसके पूरा सॉल्व कर सकते हो। एग्जांपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान से सुनना। एवरेज टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर बनाता हूं, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूजडे एंड वेंसडे, मंडे, ट्यूजडे एंड वेंसडे, ये 3 डेज का एवरेज टेम्परेचर मैंने अज्यूम कर लिया 32 डिग्री एवरेज। हाँ, ये साइन प्लस का लिखा हुआ, बट एवरेज लिखा, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, 32 इज एवरेज। इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज एडेड, मींस एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे बिकम्स 34 डिग्री सेल्सियस। अगेन ये 34 क्या है आपका, एवरेज है, 34 क्या आपका एवरेज है। देन क्वेश्चन इज, फाइंड द टेम्परेचर ऑन थर्सडे। फ्रेंड्स मेरे को बताइए, एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, 3 दिन का एवरेज कितना था, 32। 3 दिन का एवरेज 32। जैसा मैंने थर्सडे का टेम्परेचर ऐड कर दिया, मेरा एवरेज बन गया 34। इस एवरेज इंक्रीज बाय 2, एवरेज इंक्रीज बाय 2, जो एवरेज मेरा 32 था वो एवरेज मेरा 34 हो गया। जो एवरेज मेरा 32 था वो कितना होगा, 34, एंड एवरेज इंक्रीज बाय 2। कितने लोगों का एवरेज 2 से बढ़ा, आप कितने लोग थे वहां पर, कितने दिन की कहानी थी इनिशियली, सो 3 डेज, दैट इज मंडे, ट्यूजडे एंड वेंसडे। तो थर्सडे जब आया था, जो फोर्थ डे जब आया था, वो थर्सडे ने मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे तीनों का वैल्यू 2-2 से बढ़ा दिया। इट मींस वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा 6, मंडे को 2, ट्यूजडे, वेंसडे पर हेड 2, 2, 2, दैट इज 6 डिग्री उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर बचा कितना, एवरेज कितना हुआ, 34। सो उसके पास बैलेंस भी बचेगा 34। सो 6 प्लस 34 इट बिकम्स 40। सो आपको जो पूछा था टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, वो क्या आने वाला है आपका।
सेम इसी कंसेप्ट को हम लोग रिप्लेसमेंट में भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप का टेम्परेचर का एक क्वेश्चन बना देता हूं, या तो एक रिप्लेसमेंट ले लेते। देखो सपोज एवरेज एज ऑफ अ कमिटी और ग्रुप, एवरेज एज ऑफ कमिटी और ग्रुप ऑफ 8 पर्सन इज इक्वल टू 34 ईयर्स। 8 पर्सन 34 ईयर्स, 8 पर्सन 34 ईयर्स, एक ग्रुप एक कमेटी में 8 लोग हैं जिनका एवरेज 34 ईयर्स अपने को दिया हुआ है। इफ इफ द पर्सन रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट इफ, यानी अभी तक क्या था, एक न्यू पर्सन अपन ऐड करते थे, अब मैं इसमें से एक रिप्लेस कर रहा हूं। इफ द पर्सन पर्सन हुज एज इज 40 ईयर्स इज रिप्लेस बाय न्यू मैन, रिप्लेस बाय न्यू मैन। इफ अ पर्सन हुज एज इज 40 ईयर्स इज रिप्लेस बाय न्यू मैन, देन एवरेज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, ऐसा आपका क्वेश्चन। एंड फाइंड द एज ऑफ दैट न्यू मैन। फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, मैंने क्या बोला आपको, एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन अ कमिटी, एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन अ कमिटी इज 34 ईयर्स। कितने लोग हैं, 8 लोगों का एवरेज 34 ईयर्स दिया हुआ है। सेकंड थिंग, द पर्सन हुज एज इज 40 ईयर्स इज रिप्लेस बाय न्यू मैन एंड बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट एवरेज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ दैट पर्सन, ऐसा बोलता है हमने 8 लोगों का एवरेज 34 ईयर्स दिया था, वो 8 में से एक पर्सन मैंने निकाल लिया, एक पर्सन वहां से निकाला, उसकी रिप्लेसमेंट में सेकंड पर्सन लेकर आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिप्लेसमेंट वो जो न्यू पर्सन आया उसके वजह से एवरेज इंक्रीज बाय 2, ऐसा आपको बोला था। नाउ द वैल्यू ऑफ दैट न्यू पर्सन आपको फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट है फ्रेंड्स। ऐसा एज्यूम करो मैंने जो रिप्लेसमेंट किया वो किसका किया, द पर्सन हुज एज इज 40 ईयर्स, किसको रिप्लेस किया मैंने, 40 साल वाले को रिप्लेस किया। दोस्तों सोचिए, अगर एक आदमी जिसकी 40 साल वो ग्रुप में से बाहर गया और उसकी जगह दूसरा पर्सन 40 साल वाला वापस आ गया, सो आपकी क्वांटिटी नंबर ऑफ पर्सन चेंज हुआ नहीं, 8 लोग थे, 8 में से एक गया, बचे 7, प्लस फिर से एक रिप्लेसमेंट में वापस आ गया, 8 का 8 होगा, क्वांटिटी चेंज हुई नहीं। सेकंड थिंग, जो पर्सन बाहर गया था वो 40 ईयर्स वाला था एंड जो न्यू आया वो भी 40 वाला ही आया, तो 8 कैंडिडेट्स, 8 लोगों का जो सम था वो चेंज हुआ नहीं, तो एवरेज चेंज होगा नहीं। इट मींस अगर सेम पर्सन की रिप्लेसमेंट हो जाती है, सेम वैल्यू वाला कोई पर्सन रिप्लेस होता है तो एवरेज चेंज नहीं होता है। लेकिन यहां पर एवरेज चेंज हुआ, चेंज हुआ कितने से, हाउ मच, एवरेज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स बोला था, एवरेज इंक्रीज बाय 2, इट मींस एवरेज इंक्रीज बाय 2 का मतलब सबकी वैल्यू 2 से बढ़ गई ना। इट मींस जो न्यू पर्सन आया, बिकॉज ऑफ दैट न्यू पर्सन, बिकॉज ऑफ दैट न्यू पर्सन अपन जो ग्रुप में 8 लोग है अपना एवरेज 2 से बढ़ गया, इसका मतलब सबको 2-2 रुपए मिल गए होंगे। इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगर मैं बात करता हूँ तो सबको 2-2 रुपए मिले, सबकी वैल्यू 2-2 ईयर से बढ़ी एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबका वैल्यू 2-2 ईयर से इंक्रीज हुआ है। अब बताइए अपन 8 लोग हर एक की वैल्यू 2 से बढ़ गया, यानी ग्रुप में 16 एक्स्ट्रा आ गए, ग्रुप में 16 एक्स्ट्रा, यानी 16 जो एक्स्ट्रा आए लाए किसने, न्यू पर्सन। अगर वो 40 ही लेकर आता, क्योंकि जो ग्रुप में से सपोज एक्स गया वाई आया, सपोज एक्स गया 40 लेकर वाई आया 40 लेकर, तो चेंज हुआ नहीं, एक्स गया वाई आया, क्वांटिटी एज इट इज, वैल्यू एज इट इज, सम एज इट इज, नो चेंज। बट क्वेश्चन बोलता है एवरेज इंक्रीज बाय 2 एंड एवरेज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2, मीन्स 8 × 2 16 रुपीज एक्स्ट्रा आना चाहिए था। इट मीन्स जो न्यू पर्सन आएगा वो 16 एक्स्ट्रा लाएगा। सो आपको सिंपल सिंपल सा वर्किंग करना था, जो क्वेश्चन ने पूछा था Age of new man कितना आएगा, तो फ्रेंड्स रिप्लेसमेंट के 40 प्लस एवरेज इंक्रीज बाय 2, 8 लोग 2 से बड़ा, 8 × 2 16 एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 56, ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, एवरेज एक सिंपल सा टॉपिक है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है किसके वजह से, किस पर क्या इफेक्ट होगा, तीन वर्ड है,
किसके वजह से, किस पर, क्या इफेक्ट हुआ, किसके वजह से, किस पर और इफेक्ट, वेदर इंक्रीज तो प्लस करना, डिक्रीज तो माइनस कर देना। जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं, हो सकता है एक हाथ बार एवरेज कम हो जाए तो उतनी वैल्यू से माइनस कर देना, ऐसा भी केस बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अलग से, इसका प्रैक्टिस के लिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब इसका पार्ट टू रिलीज होगा, जब इसका पार्ट टू आएगा, पार्ट टू में फिर से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। अब इसी में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहा हूँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर टू था। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसके थ्रू आपके सॉल्व हो जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन निकाल लीजिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन ये थीम आपके सॉल्व कर सकता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है किसके वजह से, किस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, और इफेक्ट प्रॉपरली एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी उसका प्लस माइनस करना है, ये अगर आपने सिस्टमेटिकली कर लिया तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं। पॉइंट नंबर टू था। नाउ मैंने चार पॉइंट बोला था, सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री, थीम नंबर थ्री, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स। लाइक एक कोई ग्रुप है जिनका कुछ एवरेज दिया हुआ है, सेकंड ग्रुप उनका कुछ एवरेज दिया हुआ है, अगर ये दोनों ग्रुप अपन मर्ज कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो फिर न्यू एवरेज बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, देखो पांच वैल्यूज आती है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, दो ग्रुप हो गए। फर्स्ट ग्रुप की क्वांटिटी एंड एवरेज, फर्स्ट ग्रुप की क्वांटिटी एंड एवरेज, सेकंड ग्रुप की क्वांटिटी एंड एवरेज, क्वांटिटी एवरेज, क्वांटिटी एवरेज, कितनी वैल्यूज हो गई, चार। एंड जब ये ग्रुप मर्ज किया जाएगा, ये दोनों ग्रुप जब कंबाइन किए जाएंगे तो फिर से एक नया एवरेज बन जाएगा। कंबाइन की क्वांटिटी पता है, क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई, दोनों ग्रुप की क्वांटिटी की टोटल, टोटल क्वांटिटी आ गई, बट एवरेज निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट एवरेज, सेकंड एवरेज, एंड कंबाइन करने के बाद न्यू एवरेज बनता है। पांच वैल्यूज है, जनरली पांच में से चार वैल्यूज, तीन चार वैल्यूज क्वेश्चन में आती है, एक आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ा सोच समझ कर काम किया फ्रेंड्स, तो बहुत आसान सा सवाल है, विद इन 5 to 10 seconds आप इसका आंसर दे सकते हो। ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन 78% स्टूडेंट हु आर अपीयर आर क्वालिफाइड, मींस जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, उसमें से 78% स्टूडेंट एग्जाम में क्वालिफाई हो गए। कितने परसेंट? 78% स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वालिफाई हो गए। आगे देखो, इफ 75% ऑफ द गर्ल्स, इफ 75% of the girls and 80% of the boys, 80% of the boys who appear are qualified. Means देखो, जब अपन students की बात कर रहे थे तो 78% लोग qualify हो गए, जब boys का बात किया तो 80% boys pass हो गए, girls की बात की तो 75% pass हो गई, ऐसा अपने को दिया हुआ है। और आगे क्वेश्चन पूछा, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट इंस्टीट्यूट इफ टोटल स्टूडेंट्स आर 200। ए फोर्थ वैल्यू, 78, 75, 80 एंड 200। अब देखिए, फर्स्ट ग्रुप की क्वांटिटी पता नहीं है, सेकंड ग्रुप की क्वांटिटी, टोटल स्टूडेंट्स 200 है, टोटल स्टूडेंट्स 200, बट आउट ऑफ दैट 200 नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, ऐसा कहीं पर दिया हुआ नहीं है। सो किस तरीके से फाइंड आउट, तो अगर आपको दोनों ग्रुप की क्वांटिटी पता नहीं है, दोनों ग्रुप की क्वांटिटी पता नहीं है, बट फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इन दोनों ग्रुप का एवरेज पता है, एंड इन दोनों को कंबाइन करने के बाद का भी एवरेज अगर पता है, तो दोनों ग्रुप की क्वांटिटी का रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बहुत आसान सा काम है, देखो सिंपल सा वर्किंग में क्या करो, बोर्ड पर ध्यान से देखना, बॉयज एंड गर्ल्स। फ्रेंड्स मेरे को बताइए, बॉयज कितने पास हुए, तो एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 80% बॉयज एग्जाम में क्वालिफाई है, इन केस ऑफ गर्ल्स 75% गर्ल्स एग्जाम में पास है, एंड जब मैं इनको कंबाइन करूंगा ना, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिलाकर एक नया वर्ड बनता है स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आते हैं, तो स्टूडेंट कितने पास हुए, तो एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रहा है 78% स्टूडेंट पास हो गए। क्लियर? नाउ अब एक काम कर लीजिए आप, सिंपल सा वर्किंग है, एक्चुअली इसको एलिगेशन रूल बोला जाता है, एलिगेशन का रूल है, पर हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। अब देखिए, 80 एंड 78 का डिफरेंस 2, 75 एंड 78 का डिफरेंस 3, 80 एंड 78 का डिफरेंस कितना आया था 2, क्रॉस में, क्रॉस
75, 78 कितना आएगा 3। तो ये जो डिफरेंस है 3 और 2 ये आ गया बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो। इट मींस बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या रहेगा आपका 3:2 बॉयज इज टू गर्ल्स इज इक्वल टू 3:2। सिंपली अब आप क्वेश्चन ने रेशियो नहीं पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा था नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द इंस्टीट्यूट। तो आप क्या करो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 200। सो आपको ये 200 स्टूडेंट्स को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 200 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना 3 और 2 थ्री पार्ट्स एंड टू पार्ट्स 3+2 होता 5। तो 200 के 5 पार्ट्स कर लीजिए बॉयज अ 3 गर्ल्स अ 2। तो 200 डिवाइड बाय 5 आंसर बनेगा 40 एंड 40 × 3 = 120 40 × 2 = 80। तो जो बॉयज एंड गर्ल्स अपने को बोला था वो कितना आएगा तो बॉयज 120 गर्ल्स 80 ये आपका आंसर बन जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट होता है क्लियर। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर मैंने बॉयज गर्ल्स ले लिया। एक क्वेश्चन बहुत सी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज सैलरी ऑफ एन एक्स ऑफिसर और इट मे बी 5, 10, 20 ऑफिसर्स इन अ वर्कशॉप इज समथिंग। एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग वर्कर्स इज समथिंग एंड कंबाइन एवरेज ऐसा क्वेश्चन आता है। अगेन यही कंसेप्ट चलता है बिकॉज थीम क्या थी ऑफिसर रिमेनिंग वर्कर्स और क्लर्क इट मे बी ऑफिसर क्लर्क एंड कंबाइन दो ग्रुप बन गए ना ऑफिसर क्लर्क कंबाइन हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मेल फीमेल फैमिली मेंबर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ग्रुप ए ग्रुप बी कंबाइन क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये तो ग्रुप वाला कंसेप्ट बहुत से जगह पर काम में आता है। ये थीम नंबर 3 एंड फ्रेंड्स थीम नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 एक्चुअली टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम में आ सकता है। एवरेज स्पीड रिलेटेड एक वर्ड आता है। बहुत सी बार फ्रेंड्स हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर वर्ड आया हुआ है एवरेज लेकिन एवरेज के साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है स्पीड। एवरेज स्पीड नॉट एवरेज। एवरेज एंड एवरेज स्पीड आर टू डिफरेंट थिंग दोनों अलग अलग है। एवरेज इज डिफरेंट एंड एवरेज स्पीड इज डिफरेंट ये दोनों चीजें अलग अलग होती है ध्यान रखना। एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। सोचो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोलता है एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली मुंबई टू दिल्ली इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई रिटर्न जर्नी दिल्ली टू मुंबई रिटर्न जर्नी इट इज 120 किलोमीटर पर आवर। मुंबई टू दिल्ली 80 किलोमीटर पर आवर दिल्ली टू मुंबई 120 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द होल जर्नी इफ द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज 1200 किलोमीटर आपने को दिया हुआ है। देखो दोस्तों जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जनरली ऐसा बहुत सी बार होता है हम लोग जब एग्जाम का प्रेशर होता है जब हम लोग स्पीड में होते हैं तो तुरंत ऐसा पढ़ा जाता है भाई मुंबई टू दिल्ली का स्पीड 80 है दिल्ली टू मुंबई का स्पीड 120 है अपने को एवरेज निकालना है 80 + 120 = 200 का 100 लिख दिया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट इट इज रॉन्ग। लोग ऐसा कर लेते हैं 80 × 120 / 2 आंसर इज 100 विच इज रॉन्ग ये आंसर नहीं है। आप अगर ऑप्शंस देखोगे तो बहुत सी बार ऑप्शन नंबर 100 मिलता है हम लोग टिक करते हैं यस आ गया चलो बढ़ो आगे। फ्रेंड्स ये गलत है। आपको एवरेज नहीं पूछा था क्वेश्चन पूछ रहा था एवरेज स्पीड क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज एंड एवरेज स्पीड्स आर टू डिफरेंट थिंग्स दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है दोनों के आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन है बट इसका आंसर 100 आएगा नहीं। ध्यान से देखो आंसर क्या बनता है। एक सिंपल सा वर्क कंसेप्ट है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है पॉइंट नंबर ए इफ डिस्टेंस इज सेम डिस्टेंस ऑफ जर्नी इज सेम आप जो जर्नी कवर कर रहे हो आपके जर्नी का जो डिस्टेंस अगर वो डिस्टेंस अगर सेम है डिस्टेंस इज सेम लाइक मुंबई टू दिल्ली दिल्ली टू मुंबई सेम फर्स्ट 100 किलोमीटर नेक्स्ट 100 किलोमीटर सेम आउट ऑफ टोटल जर्नी फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एंड रिमेनिंग नाउ फर्स्ट हाफ एंड रिमेनिंग। अब अगर फर्स्ट हाफ बोलते तो रिमेनिंग में हाफ ही बचा ना। तो जब भी ऐसा इक्वल डिस्टेंस की बात होती है और आपको अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा कंसेप्ट है 2xy / x + y आप इसको यूज कर लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इसको यूज कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इज इक्वल टू
एक्स एंड वाई टू स्पीड्स, डिस्टेंस का कोई काम नहीं। जब भी डिस्टेंस सेम रहेगा आपने डिस्टेंस यूज नहीं किया। जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्टेंस इज 200, हम लोगों ने स्कूल में फॉर्मूले पढ़े हुए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 1200 डिवाइड बाय फर्स्ट स्पीड, 1200 डिवाइड बाय सेकंड स्पीड, इन दोनों टाइम आएगा, फिर उससे अपन डिवाइड करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग केस है। जब भी आपका डिस्टेंस सेम होता है सिंपली 2xy / x+y, x एंड y आर टू स्पीड्स, दैट इज 2 into, इन दिस केस 2 into फर्स्ट स्पीड 80, सेकंड स्पीड 120, डिवाइड बाय 80 + 120 200। नाउ नीचे दो जीरो है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर के दो जीरो, 80 और 120 का एक जीरो कैंसिल कर दिया, ये ऊपर का 2 मैंने कैंसिल कर दिया, आंसर आएगा 8 × 12, 12 × 96 किलोमीटर पर आवर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। सिंपली जब भी एवरेज स्पीड अगर आपको फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते समय पॉइंट नंबर 1, इफ डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज सेम, जब भी जर्नी आप लोग जो अप एंड डाउन जर्नी कवर करते हो, और वन वे में भी अगर हाफ ऑफ जर्नी आप कवर कर रहे हो, तो आपके जर्नी का डिस्टेंस अगर इक्वल है, जर्नी का डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको करना है 2xy / x+y, वेदर x एंड y आर टू स्पीड्स, डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया भी है तो यूज नहीं किया तो भी चलेगा फ्रेंड्स, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आता है। एंड अगर आपने डिस्टेंस को यूज किया तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। जैसा सेकंड केस नंबर बी, इफ डिस्टेंस सेम नहीं होता तो क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये सेकंड ऑप्शन आपके पास में रहेगा, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। अगर आपका डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। यस, और एक पॉइंट ध्यान रखो, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखो, अगर सपोज आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। कभी कभार जैसा कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला, विद पढ़ते पढ़ते आंसर, क्वेश्चन पढ़ना और आंसर लिखना एक साथ में होता है। सपोज मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया आपको, अगेन दिल्ली मुंबई, वेल दिल्ली टू मुंबई एवरेज स्पीड में रखता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, एंड मुंबई टू दिल्ली मेरा एवरेज स्पीड है सपोज 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड, आपके पास ऑप्शन नंबर 1 50, नंबर 2 48, 52 एंड नंबर 4 56, ये चार ऑप्शन है आपके पास। नाउ फ्रेंड्स आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था आपको, एवरेज स्पीड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इज 40 एंड मुंबई टू दिल्ली 60, फाइंड आउट करना था एवरेज स्पीड। एक चीज दोस्तों और ध्यान रखिए कि जो एवरेज स्पीड होती है या एवरेज स्पीड, और आप जो नॉर्मली एवरेज निकालते हो, एवरेज लाइक ऊपर निकाला ना अपन 80 एंड 120 का एवरेज, 100 आया था कुछ लोगों का आंसर, तो नॉर्मल एवरेज एंड एवरेज स्पीड अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, सो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज लेस देन एवरेज होता है। एवरेज स्पीड इज लेस देन एवरेज। इन दिस केस ये जो नया क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिया था, इन दिस केस यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने दिल्ली टू मुंबई की स्पीड दी थी आपको 40, मुंबई टू दिल्ली का स्पीड आपको दिया था 60, और मैंने आपको पूछा था एवरेज स्पीड। मेरा तुरंत आंसर, मैं सबसे पहले नॉर्मल एवरेज देख लेता हूँ कितना आता है, तो 40 एंड 60 टोटल 100 का हाफ कितना बनता है 50, तो नॉर्मल एवरेज 50 आ रहा है। इट मींस जो एवरेज स्पीड क्या आना चाहिए, लेस देन 50, बिलो 50 आएगा। एंड अगर मैं ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो मेरे पास बिलो 50 एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज 48, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, मेरे को 2xy / x+y करना भी नहीं है। समटाइम्स कुछ एग्जाम्स में, कुछ क्वेश्चन में ऐसा वर्किंग हम लोग वहां पर कर सकते हैं, इस टाइप से आपका आंसर आ सकता है। क्लियर? यस, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब ये जो पॉइंट मैंने आपको दिया हुआ है, इसके सारे एप्लीकेशंस अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस का लेवल और थोड़ा बढ़ जाता है तो किस टाइप से वर्क करना चाहिए, इससे रिलेटेड सारा का सारा डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें सारा डिटेल डिस्कशन फिर से रहेगा। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो फिर से आपके सेकंड पार्ट के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यस,
ठीक है, आप लोग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, कुछ अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस फाइंड आउट करके देख लो, उसको सॉल्व करके देख लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो क्वेश्चन सॉर्ट करके रख लो, जब मेरा सेकंड पार्ट आएगा उसको देख लीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आई एम डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सेकंड पार्ट देखने के बाद में आपके ऑलमोस्ट कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे और आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यस, ठीक है। वन मोर थिंग लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैंने बताया हुआ कंसेप्ट अगर समझ में आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यस, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपके पास जो बटन दिए हुए हैं सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कर सकते हो, साथ ही में वहां पर साइड में जो एक बेल आइकॉन दिया होता है उसके ऊपर आप क्लिक कर लो, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो ऐड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल सकता है। यस, ओके, ठीक है, थैंक यू।